हाय डिवाज, वेलकम टू फैब शीतल। आई एम शीतल। आज की वीडियो में मैं आपसे एक लेमन फेशियल शेयर करने वाली हूँ। इसे मेन एंड वुमेन दोनों भी कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेमन में नेचुरल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, जिससे हमारे स्किन के ऊपर की जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है। लेमन के हेल्प से हमारे स्किन सर्फेस पर जो डर्ट और बैक्टीरिया है वो भी रिमूव हो जाता है। इस फेशियल को मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे ब्यूटी वीडियोस देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं फेशियल। लेमन फेशियल का फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून लेमन जूस। इस फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट है लेमन जूस। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ग्लिसरीन। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद एक कॉटन बॉल की हेल्प से इसे अपने फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। हमें इसे क्लींस करना है अपने फेस को। क्लींजिंग करने के बाद फेस को अच्छे से नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। हमारे फेशियल की सेकेंड स्टेप है स्टीमिंग। स्टीमिंग के लिए आप इस तरह से एक फेस टॉवल लीजिए और इसे हॉट वाटर में डिप करके अपने फेस को इस तरह से स्टीम दीजिए, पूरे फेस को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड स्टेप की ओर। हमारा थर्ड स्टेप है स्क्रबर। स्क्रबर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून लेमन जूस। अब इसके बाद 2 टीस्पून शुगर। आप चाहे तो इसमें 1 टीस्पून हनी भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमारे फेस को अच्छे से स्क्रब करना है। शुगर से हमारे जो फेस पर जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाती है, जो डर्ट और बैक्टीरिया वो रिमूव हो जाता है। लेमन जो है हमारे स्किन को ब्लीच करता है और इंस्टेंट ग्लो देता है। ग्लिसरीन से हमारे फेस का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है, जिससे कि हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है। अब 2 से 3 मिनट इसे जेंटली स्क्रब करने के बाद हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमारा फोर्थ स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी फेशियल मसाज। फेशियल मसाज के लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 टीस्पून कोकोनट ऑयल। फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लेमन जूस। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इस ऑयल को अपने फेस पे अपवर्ड डायरेक्शन में इसे अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने से हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, जिससे हमारा फेस जो है वो ग्लो होने लगता है, इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। हमारे फेस जो है वो रिजुविनेट हो जाता है। कोकोनट ऑयल में विटामिन ई होता है, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो लाइटन हो जाती है और हमारे फेस में एक ग्लो देता है। लेमन जूस में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे कि हमारे फेस की जो टैनिंग जो है वो भी रिमूव हो जाती है, जिससे हमारी स्किन टोन जो है वो इवन हो जाती है। अब हमारे जो फेस पर स्कार्स और ब्लेमिशेस हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं और जो एक्ने और पिंपल्स के जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। इस ऑयल को अच्छे से 3 से 4 मिनट्स अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना है। इसके बाद एक कॉटन के हेल्प से जो एक्सेस ऑयल है उसे आप रिमूव कर दीजिए इस तरह से। अब हम नेक्स्ट अपना एक रिजुविनेटिंग फेस मास्क बनाएंगे, जो इस फेशियल का लास्ट स्टेप है। कूलिंग और रिजुविनेटिंग मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 टीस्पून ग्लिसरीन। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून रोज़ वाटर। इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून लेमन जूस। ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ग्राम फ्लोर। ये हमारा मास्क रेडी हो गया है। अगर ये ज़्यादा लिक्विडी लगे तो आप इसमें और ग्राम फ्लोर ऐड कर सकते हैं। इसे अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और इसे ड्राई होने दीजिए।
ड्राई होने के बाद इसे नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। मास्क लगाने के बाद फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है वो कितना लाइटन एंड ब्राइटन हो गया है। इसी तरह से आप ये फेशियल घर पे कीजिए, बिल्कुल पार्लर जैसा लुक आएगा आपके फेस पर। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे ब्यूटी वीडियोज़ देखने मिलेंगे। तो मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।